आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बड़ी छोटी उम्र, बड़ी पतली कमर, वो तो भी किसी प्राइवेट होटल में खाना खाया आएगा। बेटी क्या नाचने वाली हो? जूनियर महमूद इन दिनों बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार। ईश्वर जाने जूनियर साहब के पास कितना वक्त बचा है, लेकिन कहते हैं कि जिंदगी और मौत उस रब के हाथ में है। वैसे भी हर जिंदा चीज को एक दिन मरना ही होता है। जूनियर साहब ने ढेर सारी फिल्मों में अपनी कलाकारी से लोगों का मनोरंजन किया है, और ये उनकी हुनरमंदी का ही कमाल था कि वो अपने वक्त के सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग चाइल्ड एक्टर हुआ करते थे। कल को अगर जूनियर साहब हमारे बीच ना भी रहें, लेकिन उनकी अदाकारी की मिसालें सदा रहेंगी, उनकी कहानियाँ हमेशा कही जाती रहेंगी। काला भैरू फिर बुलाओ, भांस के बुलबुल जल्दी लाओ। जूनियर महमूद जी से जुड़ी जाने कितनी कहानियां हैं जो बड़ी ही दिलचस्प और जानने लायक हैं, और आज जूनियर महमूद जी की उन्हीं कहानियों में से एक कहानी किस्सा टीवी आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता है, इस यकीन के साथ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये किस्सा जूनियर महमूद के पहले कोट पैंट के सिलने का है। फॉरेन का माल है माँ, फॉरेन का देसी नहीं, और फॉरेन का माल कभी पुराना नहीं होता। जूनियर महमूद साहब को जिस फिल्म ने लोकप्रियता दिलाई थी वो थी साल 1968 में रिलीज हुई ब्रह्मचारी। शम्मी कपूर साहब की इस फिल्म में जूनियर महमूद उन 12 अनाथ बच्चों में से एक थे जिनकी परवरिश शम्मी कपूर कर रहे थे। इस फिल्म में एक्टर सचिन पिलगांवकर भी उन्हीं 12 बच्चों में से एक थे, और इसी फिल्म के दौरान जूनियर महमूद से सचिन जी की दोस्ती हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी, और उन सभी 12 चाइल्ड आर्टिस्ट्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जूनियर महमूद साहब को मिली थी। ब्रह्मचारी कितनी बड़ी हिट थी इसका अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि 16वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में शम्मी कपूर साहब को ब्रह्मचारी के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया था। जूनियर महमूद जी को तो कोई अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन उनके काम की तारीफें सभी ने की थी। जूनियर रातों रात स्टार बन गए थे। ये फिल्म सबसे पहले मुंबई में रिलीज हुई थी, और फिर कुछ दिनों बाद इस फिल्म को कोलकाता में रिलीज किया गया था। कोलकाता में जिस थिएटर में इस फिल्म को रिलीज किया गया था वहां एक इवेंट भी रखा गया था, जिसमें शम्मी कपूर और शंकर जयकिशन वाले जयकिशन, डायरेक्टर भप्पी सोनी और प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी को शामिल होना था। शम्मी कपूर ने जीपी सिप्पी साहब से कहा कि क्यों ना जूनियर महमूद को भी साथ लिया जाए, उसे अब हर कोई पहचानता और पसंद करता है, वो साथ रहेगा तो इवेंट और भी मज़ेदार बन जाएगा। शम्मी कपूर की वो बात जीपी सिप्पी साहब को भी सही लगी, और उन्होंने जूनियर महमूद को भी साथ लेने का आदेश जारी कर दिया। फिर शम्मी कपूर जूनियर महमूद से मिलने गए और बोले, अब तो तू स्टार बन गया है बेटा, तैयार हो जा, अब तुझे एक सूट सिलाना पड़ेगा, हम कलकत्ता जा रहे हैं, तुझे वहां भी ठुमके लगाने हैं। शम्मी कपूर जी के कहने पर जूनियर महमूद ने अपने लिए एक कोट पैंट सिलाया। वो जूनियर महमूद की जिंदगी का पहला कोट पैंट था। कलकत्ता में फिल्म के इंटरवल सेशन में ब्रह्मचारी की टीम ने थिएटर में आए सभी दर्शकों का मनोरंजन किया। जूनियर ने जबरदस्त डांस किया। जूनियर का डांस देखकर लोग खुशी से झूमने लगे, खूब तालियां बजी, और इस तरह कलकत्ता का वो इवेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर तो शम्मी कपूर जहाँ कहीं भी शोज करने जाते जूनियर को अपने साथ ले जाते, और केवल देश में ही नहीं विदेशी धरती पर भी जूनियर महमूद ने अपनी कलाकारी के जलवे बिखेरे। और ये बात भी गौर करने वाली है कि ब्रह्मचारी फिल्म में 12 चाइल्ड एक्टर्स ने काम किया था, लेकिन फिल्म के प्रमोशनल टूर्स में केवल जूनियर महमूद को ही ले जाया जाता था। ये था उस जमाने में जूनियर महमूद का जलवा।